बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के साल 2023 में किसी का भाई किसी की जान और टाइगर 3 जैसी दो फिल्में रिलीज हुई थी। किसी का भाई किसी की जान बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। दूसरी ओर टाइगर 3 ने सलमान खान के स्टारडम को डूबने से बचा दिया। टाइगर 3 ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 345 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया था। टाइगर 3 के बाद सलमान खान की हिट फ्रेंचाइजी के नेक्स्ट पार्ट यानी कि टाइगर 4 एक बार फिर से सुर्खियों में छा गई है। बिग बॉस 17 की ग्रैंड फिनाले पर सलमान खान ने खुलासा करते हुए बताया कि वो भारती सिंह को टाइगर 4 में कास्ट करने वाले हैं। बिग बॉस 17 की ग्रैंड फिनाले पर कॉमेडियन भारती सिंह ने सलमान खान के साथ काम करने को लेकर अपनी इच्छा जताई थी। इस दौरान भारती सिंह ने कहा कि भाईजान उन्हें टाइगर 4 में कास्ट करें। भारती सिंह ने बार बार कहने पर सलमान खान ने वादा करते हुए कहा कि वो टाइगर 4 में उन्हें जरूर कास्ट करेंगे। अब लोगों को लग रहा है कि टाइगर 4 में भारती सिंह की एंट्री पक्की हो गई है। बता दें कि सलमान खान के पास इस समय करण जौहर के बैनर तले बनने जा रही फिल्म द बुल में भी दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म का निर्देशन विष्णु वर्धन करने जा रहे हैं। निर्माताओं ने फिल्म की शूटिंग करने की सारी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान के साथ द बुल में कृष्णा कृष्णन लीड रोल में नजर आ सकती हैं। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।